तारीफ कीजिए उतनी कम है। बाज़ दफा अपना प्यारा जो इंसान होता है बहुत ज्यादा दिल जलाता है, तकलीफ देता है और परेशान करता है। लाख आप उसके साथ प्यार से पेश आओ लेकिन वो बिल्कुल भी आपकी बात को नहीं मानता और ना ही उसके दिल में आपकी मोहब्बत जो है बरकरार होती है या करार मतलब कि आपको आप तक नहीं पहुंचता उसका, या आप जितनी भी चैनी होती है वो उसको दिखा नहीं सकते। ऐसे पत्थर दिल प्यारे को, ऐसे पत्थर दिल मियाँ बीवी अगर इस तरह है तो उनके लिए, उनको मोम करने के लिए जो है सूरह लहब इंतहाई मौजू है। सूरह लहब के कुल अदाद जिनसे हैं कम से कम 5,822 हैं, 5,822 हैं। तो इनको जैसे मुफ्त तरीके से 3 दर्जे करें तो मतलब कि इनके क्वांटिटी इनको 3 हिस्सों में तकसीम करें तो इनका जो दर्जा आता है अदाद का वो है 22, दर्जा अदाद आता है 22, तो 22 का हासिल होता है। तो अपने प्यारे के लिए और उसकी माँ का नाम शामिल करके, यानी आप जब सूरह लहब पढ़ें 22 दफा तो लास्ट में उसके उस जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम शामिल करके रोजाना बाद नमाज़े इशा आप रुख अपना, जिस रुख आपका जो है मतलूब यानी जिसको आप तलब कर रहे हैं वो रहता है उसके घर की तरफ करके सूरह लहब को पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर वो जो अंकल जो प्यारा है जो आपसे रूट गया है वो आपके पाँव में आके गिरेगा, पाँव के बल चलता हुआ वो जो है सर के बल जलता है वो आकर आपके के झुकेगा और आपसे यकीन माने कभी दूर नहीं जाएगा और ना ही कभी नफरत दिखाएगा, ना ही ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने उसको अंधा कर दिया। आप ये अमल लाजमन करें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा जो उनसे है आप ये अमल करके देखिएगा और फिर जरूर मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी परेशानी को दूर करें तो जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और एक बात याद रखें, आपको किसी भी किस्म की परेशानी दुख तकलीफ या कोई भी मसला है तो हमसे जरूर जो है अपनी बात शेयर भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी बहन आपकी जरूर मदद करेगी। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत तकलीफ देती है, बहुत आपको जो परेशान किए हुए कोई भी बात है तो जरूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना इस्तखारा करवाएं और फिर इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। घर में किसी भी किस्म का मसला है, जादू जिन्नात या किसी ने आपकी बंदिश कर दी, किसी प्यारे ने आपको तोड़ने की जो है कोशिश की है या वो आप नहीं चाहते